इंदौर में जेलर के साथ हनी ट्रैप की मास्टरमाइंड श्वेता जैन के फोटो वायरल होने के मामले में डीआईजी संजय पांडे ने जिला जेल पर जांच शुरू की। इस दौरान जेल में तलाशी अभियान भी चला। इसके पहले हनी ट्रैप मामले की मुख्य आरोपी श्वेता विजय जैन के साथ जिला जेल के जेलर के कुलश्रेष्ठ के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया था। जेलर के साथ हनी ट्रैप के मास्टरमाइंड माने जाने वाली श्वेता जैन का फोटो वायरल होने के बाद बैरकों की तलाशी ली गई। कुछ बैरकों से सौंदर्य प्रसाधन और खाने की सामग्री मिली। पिछले साल हनी ट्रैप मामला उजागर होने के बाद गिरफ्तार की गई सभी आरोपी महिलाएं जिला जेल में बंद हैं। इन्हें महिला बैरक में रखा गया है। वायरल हुए कुछ फोटो में श्वेता विजय जैन खड़ी हैं और कुर्सी पर बैठे कुलश्रेष्ठ उससे बात कर रहे हैं। जेल मैनुअल के अनुसार कोई भी पुरुष अधिकारी महिला बंदी से किसी महिला कर्मचारी की अनुपस्थिति में चर्चा नहीं कर सकता। वायरल फोटो महिला बैरक का है। इधर डीआईजी पांडे ने कुलश्रेष्ठ से बात की है। डीआईजी ने मीडिया को बताया कि जिला जेल में कोरोना मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने के कारण वे जांच के लिए गए, साथ ही फोटो वायरल मामले की भी जांच कर रहे हैं। कल मीडिया ने अवगत कराया और मीडिया से ही एक जानकारी प्राप्त हुई कि जेलर कुलश्रेष्ठ की हनी ट्रैप केस के एक आरोपी के साथ बातचीत छायाचित्र में प्रस्तुत की। निश्चित रूप से उस सिलसिले में आज इधर उस मामले को भी देखा है और महिला वार्ड की और जेल के कुछ अन्य संवेदनशील वार्डों की सघन तलाशी कराई। ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री जो है 100% जांच का विषय है और ये गंभीर अपराध है और जेल के अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, हिडन कैमरे आदि ले जाना सख्ती से प्रतिबंधित है। और ये जांच के जेल के अंदर मोबाइल कैसे गया या हिडन कैमरा कैसे गया और उससे किस कर्मचारी ने या किस व्यक्ति ने फोटो लिया है, निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टाफ की संलिप्तिकरण हो सकता है फोटो खींचने। इसकी सघन जाँच के लिए, क्योंकि जब तक इस बात की जाँच नहीं होती कि कौन व्यक्ति मोबाइल लेके गया, कौन व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके गया जिससे फोटो खींचे गए हैं, और उसकी सघन जांच के लिए जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल इंदौर राकेश भांगरे को निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के अंदर इस बात की सघन जांच करते हैं कि किस समय का फोटो है और किस समय का है और किन परिस्थितियों में फोटो खींचा गया है। जेलर कुलश्रेष्ठ ने वायरल फोटो को खुद के खिलाफ साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि वे एकांत में बातचीत नहीं कर रहे थे, खुले स्थान पर नियमानुसार ही बात कर रहे थे। साजिश के तहत जेल के भीतर ही किसी कर्मचारी ने इस तरह के फोटो वायरल किए हैं। कुलश्रेष्ठ पहले भी विवादों में रहे हैं। कुछ दिन पूर्व भूमाफिया चंपू अजमेरा के साथ मारपीट में भी उनकी भूमिका सामने आई थी। इससे पहले अदिति चतुर्वेदी ने हनी ट्रैप से जुड़ी आरोपियों के लिए पैरोल संबंधी फाइल चला दी थी। जब मामले ने तूल पकड़ा तो अदिति का तबादला कर मामले को रफा दफा कर दिया गया था। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।